जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चे, आप लोग ये क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे होंगे कि फाइंड द मैट्रिक्स इक्वेशन व्हिच होल्ड्स दिस मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है जो इस मैट्रिक्स को होल्ड करे, यानी उस इक्वेशन का जो रूट हो बेटा वो ये मैट्रिक्स हो, यानी कि ये मैट्रिक्स जिसको सेटिस्फाई कर देगा वो वाला इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको हीट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं बेटा, यानी ए की वैल्यू आपको दिया गया है और ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप ए की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में रख के देखोगे, जिससे ये सेटिस्फाई यानी जीरो आ गया वही उसका क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होगी, ठीक है ना। क्या कैसे? तो ए दिया हुआ है तो यहाँ ए का स्क्वायर आएगा, यानी मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर 7 टाइम्स ऑफ ए प्लस 7 आई निकाल के उसको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। इसका मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बता रहा हूँ जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होगी, और ध्यान से देखना, और इस शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से पहले आप इसकी लिमिटेशन समझ लो कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो केवल 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की मैट्रिक्स इक्वेशन बना के देगा। किसकी? तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, इसको एकदम याद रखना, 3x3 ऑर्डर में ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर की अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दे और बोले इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इक्वेशन लिखिए, है ना, जो कि इसको होल्ड करे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिखना ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है ए का स्क्वायर माइनस बेटा ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल्स टू जीरो। अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा, ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है ना। जो भी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में दिया गया है उस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इक्वेशन आप इससे बना सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज, एक तो आपको ट्रेस के बारे में समझना पड़ेगा और डिटरमिनेंट के बारे में, जो कि पहले से पता होगा। तो आप लोगों में से कौन कौन सा बच्चा है ना मैट्रिक्स की ट्रेस जानता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? बेटा बहुत ही साधारण चीज है कि मैट्रिक्स का ट्रेस वैल्यू क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और इसी चीज को आप समीशन ऑफ ए आई जे व्हेन आई इक्वल्स टू जे लिख सकते हो, बात वही है। अब बताइए इस मैट्रिक्स की ट्रेस वैल्यू कितना होगा, अगर हम इस ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं तो इस मैट्रिक्स की ट्रेस पता करनी पड़ेगी। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस वैल्यू है वो कितना है बेटा, इसकी डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 2 और 5 है, इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि इसकी ट्रेस वैल्यू कितना आ गया, 7, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकेंड में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बेटा, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, 10, और इसमें से माइनस कर देंगे इसका प्रोडक्ट 3, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, 7। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं इसमें रख देता हूं तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। एज द मैट्रिक्स इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 7, तो 7 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 7, यानी 7 इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो मजा आया होगा आप लोगों को कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रेस मैट्रिक्स इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो आप लोगों ने, आई होप आप लोग अच्छी तरह से सीखे होंगे। और अगर ये चीज आप लोगों को आ गया है तो एक होमवर्क में दे रहा हूं, और इसको कमेंट सेक्शन में फटाफट हमें इसका आंसर बता के दे देना, ये आपके लिए है। आपको होमवर्क क्या है कि फाइंड मैट्रिक्स इक्वेशन, इस तरह से हटा दीजिए,
ये आपका होमवर्क किया है, फाइंड मैट्रिक्स इक्वेशन विच होल्ड्स 3, 7, 2, 1, ठीक है ना। इसको फटाफट सॉल्व करके हमें इसका आंसर बता दीजिएगा। जय हिंद बच्चों, है ना। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मिलेगी, और मजेदार तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद।